ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के ईश्वरीय मधुर महावाक्य हैं 7 फरवरी 2023। शिव जयंती आ रही है, इसलिए बाबा ने विशेष सर्विस के लिए कहा 20 नाखूनों का जोर देकर बहुत अथॉरिटी से, समझदारी से, युक्ति से गीता के भगवान को सिद्ध करना है। इस ही समय निराकार परमपिता परमात्मा आकर आत्माओं को मत देते हैं। गीता शास्त्र निराकार परमपिता परमात्मा की मत का शास्त्र है, कोई साकारी मनुष्य व देहधारी की मत का शास्त्र नहीं है। गीता के ज्ञान से, परमपिता परमात्मा की मत से ही श्री कृष्ण जैसा बनते हैं, और कहा कि ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं, दोनों की आत्मा एक है। संगम युगी ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, सतयुगी श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। फिर बाबा ने आज के गीत पर स्पष्ट किया कि कौन आया मेरे मन के द्वारे, ज्ञान की जनकार लिए, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरत या कुछ ऐसी। तो बाबा ने पूछा, आँख किसको नहीं पहचानती? भगवान को। यह आँखें श्री कृष्ण को जान सकती हैं, बाकी भगवान परमात्मा को नहीं जान सकती, क्योंकि मनुष्य देहधारी है और परमात्मा निराकार है, इसलिए आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। शिव बाबा निराकार होने कारण, इन आँखों से न देखने कारण इतना याद ठहरती नहीं। फिर कहा कि बाबा को कोई फूल देते हैं तो बाबा कहते हैं, मुझे ऐसे फूल बच्चे, गुणवान बच्चे चाहिए। और शिव बाबा बबुल नाथ हैं, इस बात को सिद्ध करते हुए कहा कि कांटे भी मेरे पर बलि चढ़ते हैं, तब तो मैं उनको फूल बनाऊं। इसलिए शिव बाबा को बबुलनाथ भी कहते हैं। बबुल के कांटों को फूल बनाने वाला एक बाप ही है। सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकार मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं, यह बात सिद्ध करो। आज बाबा ने मुरली में प्रश्न पूछा, कौन सी गुह्य बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं, ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे हैं, श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है, श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके यह प्रारब्ध पाई, यह बहुत गुह्य बात है जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखून का जोर देकर यह बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। अर्थात इतना निश्चय बुद्धि, शुरूर बुद्धि हो सेवा करेंगे, तब सेवा में सफलता मिलेगी। आज मुरली में गीत बजा, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ज्ञान की जनकार लिए, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरत या कुछ ऐसी। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, पहला, बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तु आत्मा बनना है, बाप से योग लगाना है, ध्यान की आश नहीं रखनी है। दूसरा, माताओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है, अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है, 20 नाखून के जोर से सर्विस को बढ़ाना है। आज बाबा ने वरदान दिया, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशेष स्टेज पर विशेष पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। स्पष्टीकरण है, ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव, योगी भव का वरदान दिया। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना की, सदा खुशियों के झूले में झुलाया, सर्व गुण मूरत, ज्ञान मूरत, सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज लोरी दिया। ऐसे मात पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को स्मृति में रख विश्व की विशाल स्टेज पर विशेष पार्ट, हीरो पार्ट बजाओ।
बाबा कितना नशा दिला रहे हैं कि हीरो पार्टधारी बनने के लिए हमेशा यह बात स्मृति में रहे कि हम किसकी पालना में पल रहे हैं। उसकी स्मृति में रहे हर कार्य करेंगे तो विशेष आत्मा हीरो पार्टधारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।